हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ चैप्टर सांख्यिकी 14 प्रश्नावली 14.1 का 6 नंबर। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। दैनिक व्यय कितना दिया हुआ है? रुपए में 100 से 150। परिवारों की संख्या कितना है? 4 है। और इसमें कितना दिया है दैनिक व्यय? 150 से 200। और यहाँ परिवार का संख्या 5, इसी तरह दिया हुआ है। तो और नीचे सवाल में क्या बोल रहा है? एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य, क्या बोल रहा है? माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? सीधा माध्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे। ये टेबल इस तरह है, तो हम लोग इस तरह बनाएंगे, इस तरह टेबल बनाएंगे। देखिए, हम लोग का टेबल तैयार है। क्या इस तरह टेबल में कर दिया? दैनिक व्यय दिया हुआ है, परिवारों की संख्या इधर दिया हुआ है। अब मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने का एक तरीका है, इसको और इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। चलिए हम लोग रफ में देखते हैं। देखिए, 100 और 150 को जोड़ते हैं, प्लस 150/2 कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 125 हो गया, 125 हो गया। अब इसको करके देखते हैं कितना होता है। 150 + 200/2 तो कितना हो जाएगा इसका? 350/2 इसका कितना हो जाएगा? 175, 175। ठीक, इसी तरह इसका भी जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। भाग देते हैं तो हो जाता है 205। और इसका करते हैं तो कितना हो जाता है? 275। और इसका करते हैं तो हो जाता है 325। ठीक, अब मध्य बिंदु निकल गया। अब क्या निकालेंगे? परिवारों की संख्या गुना मध्य बिंदु। अब देखिए, लिखते हैं f(x), ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 4 × 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। 5 × 175 करेंगे तो 875। 12 × 225 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2700। 2 × 275 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 055। अब 2 × 325 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 056। ठीक, अब ऐसे निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका टोटल n बराबर कितना हो जाता है? 25। इसको जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ने के बाद कितना आता है? 25। इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होता है? 5275। ठीक, इतना आया सिग्मा एफ एक्स माध्य एक्स पे आवर्त। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। कितना हो जाता है? सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 25। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाता है? 211। ठीक है, आंसर आ गया